की तरफ से 1 लाख रुपया बाढ़ ग्रस्त लोगों के लिए हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब अपना अकाउंट नंबर ओपन कर दीजिए और आप खुद भी डोनेट कीजिए, और जितने भी एमपी एमएलए एक्स एमएलए हैं बथेरी पेंशन ले हैं, बथेरी तनख्वाहें हैं, वे भी आओ हैं। और यही बात मेरी ओर से थी सारा ना, भाई ये बाढ़ टूरिज्म ना करो, ये बाढ़ टूरिज्म से लोग हमें बड़ा गुस्सा है। और लोगों से मेरी अपील है भाई, किसी का ये मार पिटाई थप्पड़ डले मारना गोशे मारना ये सही नहीं है। माला बनाओ जूते की, जूती भी चल जाएंगी उसमें, जूते जूतियां की सैंडल भी चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी एक माला बनाओ और वो जो नेता सरकार में है, जो आपके पास कभी आए नहीं दुख दर्द में, और जो बड़ी बड़ी बात आखा थे उनको पहरा दो, माला बनाकर तैयार रखो, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा ना कोई, उसमें किसी के लिए मारपीट होनी है। और जो विपक्ष के लोग थे जो आए नहीं कदे, ईब कुकर मुता इतने दिखने लग रहे हैं, उनका भी यही इलाज है मेरी तरफ से। तो यही है मेरी बात, बुंडी लग गई पार्टी वाले ने तो सारे ने बुंडी लग गई, लेकिन लांगे जाओ भाई कोई बात ना, बात तो सच्ची है, इसमें तो कोई झूठते है नहीं। तो राम राम भाई, जय बोलेगी सारे भाइयों ने, जय परशुराम, जय बजरंगबली, जय गौ माता, जय भाईचारा, जय हरियाणा, जय हिंद। कोई गलती सलती हो तो माफ करना। फिर वही बात, बाढ़ टूरिज्म बंद, दान टूरिज्म करें सारे नेता, और सारे लोग तैयार हों दान के भी लिए, तन के लिए भी, और कावड़िए सावधान हो खाओ मेरे भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद, जाएंगे। राम राम जी, रजनी जी, दिवेन, डीके, अशोक कुमार भाई लेट आए। अकाउंट नंबर भाई, मैं तो मुख्यमंत्री साहब तक कही है मैंने, तो अकाउंट नंबर है, हम तो अपना अकाउंट नंबर पांच से देंगे जब मुख्यमंत्री साहब ना देंगे, जब मुख्यमंत्री जी दे देंगे अकाउंट नंबर सीधा उस समय डलवाने हैं, किस समय डलवाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अकाउंट नंबर जारी करें, हमारी रिक्वेस्ट है खट्टर साहब से, जो भी हेल्प हो सकेंगे, जो भी लोग कर सकते हैं वो हेल्प करेंगे। और जो साथी हैं कहीं के आए हैं भाई, अकाउंट नंबर दे दो हमारा, इस बारे में अभी हमारा कोई अकाउंट नंबर नहीं है, कल मुख्यमंत्री जी दे देंगे ठीक है, नहीं तो फिर हम दे देंगे, हम जो दे देंगे वो फिर बता देंगे अगर भाई यो अकाउंट में ये थारा जो भी है हिसाब किताब है, और जो हेल्प करी जा सके फिर अगर 4 दिन 5 से सरकार देगी तो उसमें दे देंगे, नहीं तो भाई अपनी तरफ से जो हेल्प हो सकेगी लोगों के लिए वह अपने जाके कर देंगे। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का इंतजार है, और इस बात से सहमत हो कि नहीं हो ये आप लोग बता दियो। अक्सर एमएलए एमपी मिनिस्टर एक्स फलाना धकड़ा प्रेजेंट, जो पेंशन ले रहे हैं वे पेंशन जो, और इसके अलावा एक एक तनख्वाह, एक एक तनख्वाह, तो मेरे ख्याल में जितने भी अपने डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, इनको भी देना चाहिए मेरे ख्याल में, गलत बात तो नहीं है। जितने भी डीसी हैं, एसपी हैं, फर्स्ट क्लास हैं, 5-6 सारा तो ले लो, लेकिन मुख्यमंत्री शुरुआत तो करें, गलत बात तो नहीं है भाई, किसी ने गलत लागती हो तो बता दियो भाई। मेरी तो रिक्वेस्ट है सारे नेताओं, तो सारे पार्टियों, सारे अफसरों से, अरे जब मारे जिसे देने लाग रहे 1 लाख रुपये तो हम कहने लाग रहे मारे तो रखिए कुछ ना है, तो इन तक के प्रॉब्लम, एक एक तनख्वाह में, एक एक तनख्वाह में के नाश जा इनका, एक एक पेंशन में के नाश जा है, गलत बात तो नहीं है, कोई गलत हो तो बता दियो भाई। मुख्यमंत्री साहब तो रिक्वेस्ट है, फिर रिक्वेस्ट है सीएम साहब, खट्टर साहब, मैंने तो मैं तेरा करनाला में बैठा हूं, करनाला में मिल लेते मेरा तो आदमी करनाला में, तो इसलिए मैं बता रहा हूं भाई यह बात है, अगर कोई मेरी गलत लगती हो तो बात कोई बात नहीं, बाकी मैं तो सिर्फ पता है सब तो पहले हम तो शुरुआत करनी है भाई। हाँ सारे सरकारी कर्मचारी भी तो मैं क्या प्रॉब्लम है भाई, संकट की घड़ी में भी कोई साथ ना दिया फिर क्यों हुआ भाई, फिर वो क्यों हुआ बोला जो हरियाणवी क्या कहा हरियाणवी रे, ये संकट आ रहा है हमारे लोगों पर तो क्या प्रॉब्लम है, अपने अपने स्टेट के लिए, मैं तेने को इतने काबिल बनो यार अपने स्टेट ने भी, दूसरे ने भी तो क्या प्रॉब्लम है, एक एक दिन की सारे कर्मचारियों की हाँ बिल्कुल ले लेनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है भाई ले लेनी चाहिए भाई, तुरंत पैसा नहीं है सरकार के पास तो क्या प्रॉब्लम है भाई, मांगण में
लोगों तो रजनता तो मांगो, मन्नत ना लागती कोई प्रॉब्लम, इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है? बतेरे बड़े बड़े दानवीर पड़े हैं यार, परदेश में कोई छोटी बात थोड़ी है। मेरी तो सलाह है, गलत सलाह ना हरिया, मुख्यमंत्री साहब को बोलो, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, सारे के सारे एमपी, एमपी शुरू हो जाओ, अंबाले वाले तो भगवान को प्यारे हो गए, कोई बात नहीं। कुरुक्षेत्र वाले सैनी साहब, आपने भी देनी चाहिए अपनी एक तनखा, उसमें तो एक साल की में क्या प्रॉब्लम है? फिर अपने आ जाओ भाटिया जी, करनाल से संजय भाटिया जी, कोई कमी नहीं आनी। फिर आ जाओ सोनीपत रमेश कौशिक जी, आपको भी देनी चाहिए अपनी तनखा। रोहतक आ जाओ अरविंद शर्मा जी, आपको भी देनी चाहिए। फिर आ जाओ बैणी धर्मवीर जी, आपको भी अपनी तनखा पेंशन देनी चाहिए, बथेरी कई इकट्ठी कर रखी है आप लोगों ने। और अपने आईएएस भी रहे हैं हिसार से वीरचंद्र जी, और वीरेंद्र सिंह जी सांसद रह रहे हैं आपका, तो दो दो घर में तो दो दो देनी चाहिए आप लोगों ने। सिरसा से मैडम सुनीता दुग्गल जी, आपको भी देनी चाहिए। के प्रॉब्लम है तनखा एक दिन में, मतलब एक साल की तनखा देने में मन्नत लागता नहीं, कोई प्रॉब्लम है? फिर गुड़गांव आ जाओ राव इंदर इंद्रजीत जी, आप तो वैसे राजा हो, आप दो तो कोई कमी है नहीं, तो लेकिन राजा तो जब मांगने लगे ना लोग, क्या मैं दोगे लोगों ने संकट के समय साथ दोगे? जब अपने कृष्णपाल गुजर जी फरीदाबाद से, मेरे ख्याल में 10 के 10 हो गए होंगे, तो 10 के 10 तो एमपी हैं भाई, और फिर 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए तो घने हो जाएंगे अपने, फिर राज्यसभा के मेरे ख्याल में राज्यसभा वाले रह जाएंगे अपने। रामचंद्र जांगड़ा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, आप लोगों के पास बतेरी दो दो तीन तीन इकट्ठी हो रही है। अच्छा और कौन रह गया? एक आधा नाम तम भी याद दवा दो यारे, मैं बोले जा आगे, और एक आधा बता दो मेरे भाई। तो ये हो गए। फिर अपने मुख्यमंत्री खट्टर साहब, आपकी भी हो रही है एक तो पेंशन है तनखा, मुख्यमंत्री साहब आपने देनी चाहिए, कि फर्क पड़ा एक साल की तनखा में, तनखा ना दे तो पेंशन दे दे। फिर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब, के कमी है आपने तो, आप तो सांसद वाली भी लो हो, अरे ये उप मुख्यमंत्री हो, बताओ तनखा दे दो, के प्रॉब्लम है? फिर अपने जेपी दलाल साहब हैं, मूलचंद शर्मा जी हैं, मंत्री हैं ये इतने, और भी कई मंत्री हैं, अपने अनिल विज साहब हैं, अनिल विज साहब नाव वहां निर्धनी एक तो तनखा दे दो एक साल की, नाव में कति मन ना डो, बहुत धर्म का काम है। अपने शिक्षा मंत्री हैं अपने कौरपाल गुजर साहब, दे दो, के प्रॉब्लम है? बतेरी इनकम है, के प्रॉब्लम है? और कौन रह गया भाई मंत्री? मैडम रहेगी कमलेश डांडा जी, और कौन है? मेरे जितने ध्यान थे मैंने थर तक नहीं बता दिए भाई, तक सारा था। आप सब लोगों को इनको वो करो, और जितने भी क्योंकि इनकी बहुत हजारों करोड़ रुपये कमा रखे हैं इनने, 100 करोड़ तो नीचे आता कोई भी कौन है भाई साहब, इसलिए आप लोग इनसे कहो सारा था। और नहीं तो भाई अपनी जैन से नगा 1 लाख रुपए कती तैयार है, कती तैयार है, हमने भी राय के ऊपर इकट्ठा करना पड़ेगा, पर बात संकट की है, संकट की घड़ी है, तो अपनी तरफ से तो भाई जरूर करेंगे सहयोग। तो मुख्यमंत्री जी के लिए राम राम, सारे भाइयों ने राम राम, भाई जय बोलेगी।